ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम सुखसागर के चौथे स्कंद का नवा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का दप करने के लिए वन में चले गए थे। पाठ करने के पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस ग्रंथ की सारी कथाओं को क्रमानुसार प्राप्त कर सकें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया, अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनु के दो बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत उत्पन्न हुए। सुप्रियव्रत की संतान की कथा पांचवें स्कंद में आएगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है। स्वयंभू मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज किया, उत्तानपाद नहीं। उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुरुचि नाम की दो स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रीति करते थे, तथा बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठे। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहाँ बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाला। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा, तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागी उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कर, जब तेरा भाग्य उदय हो तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पट रानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर, जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहाँ से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, हे बेटा, तुमको किसने मारा है, तू इतना रोदन करता है। ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उससे बोला नहीं गया। जब उसका वो रोना कम हुआ, तब अपनी माता से बोला, मैं अभी राजा के पास गया था, राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, सो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठूं, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाला। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा, तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति यह बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म ना लेता, इसलिए अभी तू नारायण की शरण में जाकर उनका तप स्मरण कर तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप बधान किया, तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभू मनि ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते, जो बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के ना रहने पर मेरी सौत मुझे देश से निकाल देगी। यह बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वह वन में जाकर इस बात का सोच विचार करता था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। रहा में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी विमाता की बातों से दुखित होकर
परमेश्वर को ढूंढने निकला है। सो हम इसकी परीक्षा लेवे कि यह अपनी परीक्षा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलाते हैं तो वह उसके पास चला जाता है। पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया, तुझे मेरी बात उचित नहीं है। हम तुझको तेरे बाप के पास ले चलते हैं, राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे। और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप जप करके अपना शरीर जला दिया, तिस पर भी उनको नहीं पाया। तू वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे वही हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का यह वचन सुनकर विचारा कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, तो ऐसे महात्मा व हरिभक्त का दर्शन पाया। जब मैं बीच परमेश्वर के तब स्मरण में लीन हो जाऊंगा तब ना मालूम कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए जिसमें परमेश्वर के चरणों पर जल्दी पहुँच जाऊँ। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, जब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर अपने घर नहीं जाऊँगा। तब नारद जी ने देखा यह लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है। तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान का धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तू यहाँ से मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे जाकर श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना, नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, जड़ाऊ मुकुट पहने, मकरांकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, वैजयंती माला और कौस्तुभ मल्ली गाड़े में डाले मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन में लगाकर करना और फल धूप या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर लेना। बाहर अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना, श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुँचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह कर सुख मिलता है। ध्रुव जी ने नारायण जी का स्वरूप ध्यान व मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा। वहां जाकर उनको ढूंढता सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बदला दिया। अब मैं आपकी आज्ञानुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते हुए चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को जो कुछ ज्ञान नहीं रखता तब करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। ना मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है, उस बालक का ज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते हैं, तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठा कर पूछा, महाराज आप कहाँ से आते हैं? नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुझको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे बेटे ध्रुव को जो अज्ञान बालक था ऐसी कठोर बात कही कि वह दुखित होकर ना जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं, ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। कोई शेर व भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के बस होकर उसका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना चित्त उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था,
मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप स्मरण में सबका सच इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतला कर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता न करो, वह ऐसी पदवी को पहुँचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरुषों को भी प्राप्त नहीं हुई। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया है, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता। तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी यह बात करके ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राज्यकाज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था, एक महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत सातवें दिन थोड़ा सा खाने लगा, फिर तीन महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा, चौथे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा, पांचवें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती थी उसी के आहार पर रहा, पांचवें महीने पर तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखारविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। छठे महीने में ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लब्धिन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया, श्वास लेने की जगह भी ना रही। पर ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले, ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ाए देते हैं। इति श्री चौथा स्कंद नवा अध्याय समाप्त।